कैरी से बने अंग्रेजी के जरूरी शब्द कैरी ऑन विद साथ संबंध होना, कैरी इनटू अंदर रखना, कैरी अलोंग साथ ले जाना, कैरी ऑफ से मरना, कैरी आउट पूरा करना, कैरी अवे बाहर होना, कैरी फॉरवर्ड आगे बढ़ाना, कैरी ऑन जारी रखना, कैरी ढोना। अलग अलग तरीके से कैरी का प्रयोग इस वीडियो में सीखेंगे। कैरी ऑन प्लस वी फोर और इसका हिंदी मतलब होगा करते रहना या जारी रखना। जैसे वो अभ्यास करता रहा, कोई काम करता रहा, तो ही कैरीड ऑन डूइंग प्रैक्टिस। यहाँ पर कैरी का वी वन कैरी होगा, वी फोर यहाँ पर कैरीड होगा, वी थ्री भी हो जाएगा कैरीड, वी फोर हो जाएगा कैरिंग और वी फाइव हो जाएगा कैरीज। तो इस प्रकार से प्रयोग होगा। तो वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर और वी फाइव होगा। राहुल अंग्रेजी बोलता रहा, राहुल कैरीड ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। तो कैरी ऑन का मतलब कोई काम करते रहना, करते रहा कैरीड ऑन हो गया, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। और जो ऑन के बाद जो वर्ब होगा वो वी फोर में होगा, जिससे कि डूइंग स्पीकिंग। कैरी अवे इसका मतलब है कंट्रोल से बाहर होना, आउट ऑफ कंट्रोल कोई चीजें होना। इसे वो इस स्थिति को देखकर कंट्रोल से बाहर हो गया, ही कैरीड अवे, वो कंट्रोल से बाहर हो गया बाय सीइंग दिस कंडीशन, इस स्थिति को देखकर। ट्रक कल कंट्रोल से बाहर हो गया, द ट्रक कैरीड अवे यस्टरडे। तो इसे आप प्रयोग करेंगे कि कैरी अवे जहां पर प्रयोग हुआ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। कैरी आउट मतलब पता लगाना या पूरा करना, दो मीनिंग है। पहला है कि कोई भी चीजों का फाइंड करना, पता लगाना, और दूसरा है कि कोई भी चीजों का कंप्लीट करना। दो अलग अलग मीनिंग है। इससे वो अपने मोबाइल का पता लगाया, मतलब उसने अपने मोबाइल को फाउंड किया, पाया, फाइंड किया, खोजा, इस प्रकार से। ही कैरीड आउट हिज फोन। राहुल अपने सपने को पूरा किया, राहुल कैरीड आउट हिज ड्रीम। तो पूरा करना कंप्लीट, फुलफिल करना, और पता लगाना मतलब कि फाइंड करना, इससे आप प्रयोग करेंगे। तो दोनों तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं, कभी फाइंड में भी, कभी कंप्लीट में भी। कैरी ऑफ मतलब बीमारी से मरना, मतलब कि किसी डिजीज से मरना, उसका बुखार उसे मर सकता है। हिज फीवर कैन कैरी ऑफ हिम। तो ऑफ के बाद यहाँ पर कोई भी नाउन या फिर कोई प्रोनाउन का प्रयोग किया जा सकता है। नई बीमारी ने हजारों लोगों को मार दिया, न्यू डिजीज कैरीड ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल मतलब हजारों लोग इसे प्रयोग करेंगे आप। तो ये न्यू डिजीज नई बीमारी कैरीड ऑफ मतलब मार दिया, किसको मार दिया, तो थाउजेंड ऑफ पीपल हजारों लोगों को। कैरी फॉरवर्ड मतलब है आगे बढ़ाना या आगे ले जाना। इसे इस वीडियो को आगे बढ़ाओ, आगे शेयर कीजिए, दूसरों को भेजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर को। तो कैरी फॉरवर्ड दिस वीडियो, तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब हो गया कि आगे बढ़ाना, आपके पास है तो दूसरों को भेजिए, अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेंबर को, इस तरीके से। राहुल ने मेरा वीडियो, सभी वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर आगे बढ़ाया, मतलब उसने कैरी फॉरवर्ड किया, उसने शेयर किया। तो राहुल कैरीड फॉरवर्ड माय ऑल वीडियोज ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, etc.
तो इससे प्रयोग करेंगे कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाना, और जो कैरी का मतलब सिर्फ कैरी का जो मतलब है वो है ढोना। कोई भी चीज से आप कोई सामान ढोने की बात करते हैं, इससे मैं अपना सामान खुद ढोता हूं, तो कैसे बनाएंगे, आई कैरी माई गुड्स, या अपना सामान हो गया, गुड्स मतलब सामान, आई कैरी माई गुड्स बाय माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ मतलब खुद से, इससे हो गया। तुम अपना सामान नहीं ढोते हो, तो यू डोंट कैरी योर गुड्स, तो यहाँ पर कैरी का मतलब हो गया ढोना, इस प्रकार से, इससे उसने अपना सामान नहीं ढोया, तो ही डिड नॉट कैरी हिज गुड्स। चाहे तो प्रोडक्ट भी आप कर सकते हैं, नो डाउट। कैरी अलोंग मतलब साथ ले जाना, जैसे उसने अपने साथ बैग ले गई, तो सी कैरीड द बैग अलोंग विद हर। राहुल को अपने साथ मोबाइल नहीं लेना ले जाना चाहिए, तो राहुल शुड नॉट कैरी मोबाइल अलोंग विद, अब यहाँ पर अपने साथ है तो अपने साथ के लिए यहाँ पर हो जाएगा अलोंग विद हिम, तो अलोंग विद हिम के लिए आप इसका प्रयोग कर लेंगे, राहुल शुड नॉट कैरी हिज मोबाइल अलोंग विद, या अलोंग विद हिम भी आप कर सकते हैं, तो नो डाउट आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर हिम भी राहुल के लिए ही प्रयोग हो रहा है ऑब्जेक्टिव केस में। कैरी इनटू मतलब डालना या अंदर रखना, उसने बैग में पानी का बोतल रखा, तो ही कैरीड अ वाटर बोतल इनटू बैग, मैं फ्रिज में दूध रखूंगा, आई विल कैरी मिल्क इनटू द रेफ्रिजरेटर, यहाँ पर ऐसा प्रयोग करेंगे, कैरी इनटू मतलब अंदर रखना, अंदर डालना, इस तरीके से आप प्रयोग करेंगे। अब है कैरी ऑन विद, किसी के साथ संबंध में होना, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, ही हैज बीन कैरिंग ऑन विद किसी का, तो किसी के लिए हो जाएगा समवन, प्रिया का राहुल के साथ चक्कर चल रहा है, प्रिया इज कैरिंग ऑन विद राहुल, तो इससे आप प्रयोग करेंगे, जब भी आप इस तरीके की बात करते हैं तो वहां पर आप कैरी ऑन विद का प्रयोग करेंगे। तो सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।